हाय गाइस, मेरा नाम आप सभी देख रहे हो आपके चैनल रितनुशील को। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम ऐसा कुछ अजूबा देखने जा रहे हैं जो कि आप लोगों ने इससे पहले ना तो सुना होगा ना तो देखा होगा। आज ही मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन 2022 को सामने रखते हुए, क्योंकि 2022 अभी आने ही वाला है और फेसबुक मोनेटाइजेशन पे काफी कुछ चेंजेस भी हो गया है। पहले मोनेटाइजेशन इंस्टेंटली हो जाता था, अब नहीं हो रहा है, अब अंडर रिव्यू जाता है, उसके बाद ही पेज मोनेटाइज होता है। मगर आज का जो ये अजूबा है वो बहुत ही हटके है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों देखने के लिए मिलेगा पेज बिना मोनेटाइज किए भी पेज के वीडियो सारे मोनेटाइज है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही चीज आप लोगों को सिर्फ सुनाऊंगा नहीं, सबसे पहले दिखाता हूं और उसके बाद समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग 2022 पे अगर फेसबुक पेज को मोनेटाइज करोगे तो आपको इसको लेके कोई डाउट मन में ना रहे। तो बिना कि आपको बोर, चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और क्रिएटर स्टूडियो आप लोगों के सामने खुला है ताकि प्रैक्टिकली आप लोगों को समझा पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पेज है, इस पेज के ओनर ने पेज को मोनेटाइज करने के लिए अपील किया था, यानी कि अप्लाई किया था, मगर अप्लाई पे अब अंडर रिव्यू पे है, मगर फिर भी पेज के सारे वीडियो मोनेटाइज हो चुका है। चलिए इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू पेज एलिजिबिलिटी, इस पे क्लिक करने से हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये पेज का मोनेटाइजेशन का स्टेटस क्या है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे एक आई का जो है लोगो बन के आ रहा है, और इस आई के लोगो का मतलब स्टेटस से पता चलता है कि ये इन रिव्यू जब जाता है पेज मोनेटाइजेशन पे तब ऐसा शो होता है, जो कि इस पेज के केस पे शो हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन स्ट्रीम एड ऑन डिमांड पे इन रिव्यू शो हो रहा है, पेड ऑनलाइन इवेंट पे इन रिव्यू शो हो रहा है, ब्रांड कोलाब मैनेजर पे इन रिव्यू शो हो रहा है, और नीचे सब्सक्रिप्शन यानी कि फैन सब्सक्रिप्शन से ये पेज मोनेटाइज हो चुका है, इसीलिए व्यू टूल आ रहा है। और व्यू टूल तभी आता है जब पेज मोनेटाइज हो जाता है, अप्रूव हो जाता है मोनेटाइजेशन। बाकी के बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे इन रिव्यू पे पड़ा हुआ। तो ये पेज अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, वो हमने अप्लाई किया है, फेसबुक अभी तक अप्रूव नहीं किया है, मगर जब हम इसको क्लोज करेंगे और आप लोगों को इन स्ट्रीम ऐड पे लेके आएंगे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे कि इस पेज का हर एक वीडियो आज के डेट पे मोनेटाइज हो चुका है। जो ग्रीन डॉलर देख रहे हो ये ऑलरेडी मोनेटाइज है, और जो ये डॉट डॉट वाला ब्लैक डॉलर देख रहे हो इसका मतलब है ये वीडियो अंडर रिव्यू पे गया है मोनेटाइजेशन के लिए, और जो येलो डॉलर देख रहे हो इसका मतलब है वो वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए एड फ्रेंडली नहीं है, इसलिए येलो डॉलर पे पड़ा हुआ है। मगर पेज मोनेटाइज हो चुका है, वीडियो पे अभी अर्निंग भी शुरू हो गया है, और अर्निंग शुरू हुआ कि नहीं हुआ वो देखने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे डॉलर शुरू हो गया है, यहाँ पे 1 सेंट इस वीडियो ने अर्निंग किया है, यहाँ पे 18 सेंट इस वीडियो पे अर्निंग हुआ है। और यहाँ पे और एक अजूबा दिखाऊंगा, वो है कि ये वीडियो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, ये अंडर रिव्यू पे है, मगर फिर भी डॉलर इनकम हो रहा है। तो ये फेसबुक पे हो क्या रहा है? पेज मोनेटाइज नहीं हुआ है अभी तक, मगर वीडियो सारे के सारे पेज पे मोनेटाइज हो चुका है। अब मैं अगर आपको पब्लिश वाला टूल पे लेके जाऊं तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे डिटेल पे कि इस पेज के जो वीडियोस है वो सारे के सारे मोनेटाइज, और ये मोनेटाइज कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो अब दिक्कत वाला बात है। हालांकि यहाँ पे आपको रेड भी दिखने के लिए मिलेगा, रेड यानी कि ये रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में वीडियो है, ये वीडियो कभी भी मोनेटाइज नहीं हो सकता है, इसीलिए आप देख सकते हो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है। हालांकि इस पेज के ओनर ने हर वीडियो पे मोनेटाइजेशन को ऑन किया है, इसीलिए डॉलर डिफरेंट डिफरेंट तरीके का दिखा रहा है एज पर वीडियो का एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली गाइडलाइंस, रेस्ट्रिक्शन गाइडलाइंस, उसको मद्देनजर रखते हुए। मगर पेज के सारे वीडियो मोनेटाइज है, पेज पे कोई वायलेशन नहीं है, मगर पेज अभी तक अंडर रिव्यू पे पड़ा है, फिर भी मोनेटाइजेशन हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अर्निंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये क्या हो रहा है फेसबुक पे, ये आज के इस वीडियो पे आप लोगों को समझना एज ए क्रिएटर बहुत जरूरी है, क्योंकि 2022 पे फेसबुक मोनेटाइजेशन पे आपको हो सकता है कुछ टाइमों तक ऐसे चीजें ऑब्जर्व करने के लिए मिले, या फिर हो सकता है किसी किसी भाई को ऑलरेडी ये सारे चीज ऑब्जर्व हो रहा है उनके पेजों पे। अगर ऐसा होता है डरने की कोई बात नहीं है, चीजों को समझना ही चीजों का तोड़ होता है। तो इस पेज के केस पे हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, और मैंने पहले भी बताया है कि जब भी पेज मोनेटाइज हो जाता है तो यहाँ पे ही आपको सारे आपका इनसाइट दिखने के लिए मिलेगा, ये अर्निंग वगैरह सब कुछ डिटेल यहाँ पे आता है। तो ये आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टूल से मोनेटाइज होता है, तो मैट्रिक्स लिखा हुआ आता है, वो सारे चीज इस पेज पे शो कर रहा है। हालांकि यहाँ पे आप देखोगे तो इन स्ट्रीम एड ऑन डिमांड पे लर्न मोर आ रहा है,
तो लर्न मोड तभी आता है जब पेज मोनेटाइज नहीं होता है वो पर्टिकुलर टूल से। अब ये दो स्टेटमेंट बन जाता है, एक स्टेटमेंट पेज अंडर रिव्यू है फिर भी पेज के वीडियो मोनेटाइज है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये दरअसल दोस्तों एक ग्लिच है, एक फेसबुक का बग है। हाँ, ये पेज अभी मोनेटाइज हो चुका है तभी तो अर्निंग हो रहा है, तभी तो आपको इंस्ट्रीम ऐड पे जाओगे तो वीडियो मोनेटाइज दिख रहा है और वीडियो का अर्निंग भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ है। और इसका अगर आपको और भी ज्यादा इन डेप्थ समझना है तो आपको मोनेटाइजेशन पे इनस्ट्रीम ऐड पे क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पे तीन ऑप्शन रहता है, किसी किसी को चार ऑप्शन भी दिखने के लिए मिल सकता है क्योंकि अभी रील्स मोनेटाइजेशन भी आ चुका है और जो लोग रील्स मोनेटाइजेशन से इनस्ट्रीम ऐड को मोनेटाइज कर लोगे तो यहाँ पे एक रील्स ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैं अलग से वीडियो बना भी चुका हूँ, वो वीडियो इस वीडियो को एंड होने के बाद जरूर देख लेना अगर किसी को रील्स वीडियो मोनेटाइजेशन पे इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग ऑप्शन है, इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप खाली जगह पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर इस आइकन पे भी क्लिक कर सकते हो ऐसे। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन डिमांड वीडियो पे मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो शो एड, इसका मतलब है अभी आपके वीडियो पे एड शो किया जाएगा क्योंकि आपका वीडियो एलिजिबल हो चुका है तभी ये ऑन हुआ है। अब ये पेज जो है दोस्तों इंस्ट्रीम ऐड लाइव से मोनेटाइज नहीं है, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूं प्रीवियसली लाइव वीडियो का जो ये ऑप्शन है मोनेटाइजेशन ऑन करने का, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑन नहीं होगा, मगर ये वाला ऑन हो गया है। इसको क्लिक करके ऑन किया जा सकता है या बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, इसलिए ये ऑन हुआ है क्योंकि ये पेज अब इंस्ट्रीम ऐड से मोनेटाइज हो चुका है। यहाँ पे ग्लिच है, इसके कारण हो सकता है कि ये जो ओवरव्यू पे हम जाके पेज एलिजिबिलिटी पे जाते हैं तो ये अभी भी इन रिव्यू शो कर रहा है। अब ये ठीक कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे कब व्यू टूल आएगा ताकि हमें पूरी तरीके से तसल्ली हो जाए कि हमारा पेज अब इनस्ट्रीम ऐड से मोनेटाइज हो चुका है 2022 पे। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप जो कर सकते हो अपने पार्ट का वो है कि रेगुलर बेसिस पे पेज पे तीन या फिर तीन मिनट से ज्यादा वाला वीडियो अपलोड करते जाओ। जैसे जैसे आप वीडियो अपलोड करते जाओगे वैसे वैसे वीडियो का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो इनस्ट्रीम ऐड के क्राइटेरिया पे वॉच टाइम आता है वो भी लास्ट एनी 60 डेज पे वो क्राइटेरिया पेज पे फुलफिल रहेगा। तो ये ग्लिच जो हम कह रहे हैं अभी पहले अनुमान में, वो ग्लिच ही रहे तो अच्छा है, अगर ग्लिच ना होता है तो हो सकता है वॉच टाइम के लिए अभी तक रिव्यू पे पड़ा है। अगर बाकी सारे आपका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है और आपके पेज पे कोई भी पॉलिसी वायलेशन नहीं है तो उस केस पे आपको सिर्फ कंटेंट डालना है, कंटेंट डालते जाओगे तो पेज पे रीच मिलेगा, पेज पे वॉच टाइम मिलेगा और इनस्ट्रीम ऐड का क्राइटेरिया भी फुलफिल रहेगा और टुडे टुमारो वो जो अभी आप लोग को दिखने के लिए मिल रहा है मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हुए कि ये इन रिव्यू शो कर रहा है वो चल के आगे चल के व्यू टूल हो जाएगा। इस पे आपको डरने वाली बात नहीं है। अगर अभी इस पेज के ओनर के जैसा आपका भी स्थिति है, अगर मेरा ऐसा होता तो मैं सिर्फ कंटेंट पे फोकस करता, सिर्फ कंटेंट डालता और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगर यहाँ पे जाके पब्लिश पे क्लिक करता हूँ कोई भी वीडियो को उठा लूँ, से फॉर एग्जांपल ये वीडियो को उठा लूँ क्योंकि इस पे ग्रीन डॉलर है, तो एडिट पोस्ट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन स्ट्रीम एड वाला जो पार्ट है वो ऑन है। इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे प्लेसमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो और फिर सेव भी कर सकते हो। तो इससे हमें पूरा कॉन्फर्म हो चुका हूं कि ये फेसबुक पेज अब मोनेटाइज हो चुका है। तो 2022 आने तक हो सकता है आप लोगों को ये इशू बहुत ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिले क्रिएटर स्टूडियो के अंदर कि पेज जो है अंडर रिव्यू शो कर रहा है और जब हम मोनेटाइजेशन पे देखते हैं, इनस्ट्रीम ऐड पे देखते हैं या फिर वीडियो के डिटेलिंग में आके देखते हैं तो वहां पे डॉलर भी शो हो रहा है। तो दोस्तों इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पेज मोनेटाइज है कि नहीं है। ये पेज अभी मोनेटाइज है, ये मोनेटाइज हो चुका है, हाफ हार्टेड फुल हार्टेड होने के लिए इस पे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालने की जरूरत है और बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पे जब मोनेटाइज के इन रिव्यू पे ये सब शो करेगा डॉलर येलो, तो आपको देखना है ये येलो किस लिए शो कर रहा है। तो अगर आपका कंटेंट सेंसिटिव है या फिर आपके टाइटल में कुछ खराबी है तो इस वीडियो का आप पहले मोनेटाइजेशन को ऑफ कर लो, उसके बाद टाइटल को अपडेट कर लो और फिर वीडियो का थंबनेल पे गलती है तो उसको ठीक कर लो और वीडियो ही पूरा गलती है तो वीडियो को डिलीट कर दो। अगर इक्का तुक्का वीडियो है, ज्यादा वीडियो है तो उसको आपको एक्सपायर करना होगा। इस पे आप एडिट पोस्ट पे जाना है,
फिर आपको देखना है टाइटल एडिट करना है कि नहीं। अगर टाइटल एडिट नहीं करना है, टाइटल पे कोई स्लैंग वर्ड्स या फिर वायलेंस वर्ड नहीं है तो उसको नहीं ऐड करना है। आपको देखना है कि आपका वीडियो का थंबनेल पे कोई इशू तो नहीं है, ग्राफिक्स वायलेंस तो नहीं है, वो अगर ठीक करना है तो उसको ठीक कर लो। मोनेटाइजेशन को पहले यहाँ से ऑफ कर लो, पहले यहाँ पे जाके इसको ऑफ कर लो, फिर सारे चीज़ों को ठीक कर लो, फिर यहाँ पे आके इंस्ट्रीम ऐड को फिर से ऑन कर दो और फिर सेव कर दो। अगर कंटेंट ही गलती है और ऐसा कंटेंट बहुत ज़्यादा है, एक दो है तो डिलीट कर दो, एक से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे पब्लिश पे आना है और फिर उस वीडियो को शेड्यूल एक्सपायर पे लगा देना है। शेड्यूल एक्सपायर पे लगा के एक एक दिन छोड़ छोड़ के वीडियो को डिलीट पे लगा दो, तो ये वीडियो एक टाइम के बाद आपके पेज पे और रहेगा ही नहीं, अगर डिलीट करना है। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट सारे वीडियो को डिलीट करोगे तो आपका पेज का रीच कम हो जाएगा। रीच कम ना हो इसीलिए आपको शेड्यूल एक्सपायर या फिर एक्सपायर बटन का यहाँ से यूज करना है। इसको सिंपली से क्लिक करना है, या फिर डेट फिक्स कर सकते हो कौन सा डेट पे आप एक्सपायर लगाना चाहते हो, फिर ओके करके सेव कर दो, बस हो गया। या फिर आप डायरेक्ट एक्सपायर भी कर सकते हो, यहाँ पे जाओ एक्सपायर पे क्लिक करो और फिर इसको सेव कर दो। तो इसी तरीके से आप इस चीज को अंजाम दे सकते हो। अब यह पेज पे इस पेज का जो ओनर है उनको देखना है जो वीडियो अभी डॉलर येलो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। जैसे कि ये वीडियो देखने से पता चल रहा है ये ग्राफिक्स वायलेंस है, किसी लड़की को लेके कुछ चल रहा है जो कि दिखने में वायलेंस के जैसा दिख रहा है, तो ये कंटेंट एडवर्टाइज फ्रेंडली नहीं है। इवन टाइटल में भी जो वर्डिंग्स यूज हुआ है, हो सकता है उस पर भी कुछ वायलेंस वाला वर्ड हो जो कि फेसबुक के दृष्टि में एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं है, उस केस पे भी येलो डॉलर हो जाता है। तो उस केस पे वो सारे चीज़ों को अपडेट करना होता है। कंटेंट में ही कोई वायलेंस वाला चीज़ है तो वीडियो को डिलीट करना होता है। अगर ज़्यादा वीडियो है तो एक से ज़्यादा है तो उस वीडियो को आपको एक्सपायर पे लगाना पड़ेगा। और जो रेड आया हुआ है ये तो मैं कहूँगा इस वीडियो को इस पेज से डिलीट कर देना ही अच्छा रहेगा। ये वीडियो फेसबुक के पॉलिसी के अगेंस्ट है। ज़्यादा ऐसे रेड वीडियो आएगा, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में वीडियो आएगा तो हो सकता है वायलेंस के वजह से पेज का मोनेटाइजेशन फेसबुक रद्द कर दे। क्या पता ऐसे वीडियो इस पेज पे ज़्यादा रहने के वजह से हो सकता है इस पेज का अभी भी मोनेटाइजेशन अंडर रिव्यू पे शो कर रहा है इंस्टेड ऑफ पेज पे व्यू टूल्स, जो कि हमारा मैंने बताया था आप लोगों को कि मोनेटाइजेशन पे जाओगे तो व्यू टूल्स शो करना है। जब मोनेटाइज हो जाता है पेज तो यहाँ पे जैसे इस मोनेटाइजेशन टूल पे व्यू टूल शो कर रहा है, ऐसा यहाँ पे भी शो करना था जो कि नहीं कर रहा है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वीडियो पेज पे जो है वो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का है तो फेसबुक डिसाइड नहीं कर रहा है कि इस पेज को फुल्ली मोनेटाइज करे या नहीं करे। और ये एक न्यूज़ पेज है तो न्यूज़ पेज पे इस तरीके का कंटेंट रहता ही है। बाकी आपको समझना है किस तरीके का कंटेंट आप पेज पे डाल सकते हो और किस तरीके का नहीं। अगर आपको समझ नहीं है, सीखना है, जानना है, आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो मुझसे 1-on-1 30 मिनट्स का, तो आपको 500 पे करके आना है जो कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के द्वारा होता है shil.diptanu shil.diptanu वही मेरा यूजर आईडी है इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आके मुझे आपको DM करना है, 500 रुपी पे करना है, तो आप 1-on-1 मुझसे बात कर सकते हो वो भी 30 मिनट्स के लिए। अगर आपको क्लासेस चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आपको 2021 एंड होने तक आप पे करके क्लास कर सकते हो। अगले साल ये कॉस्ट और भी ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों यही मुझे कुल मिला के आपको बताना था। होप गाइस आज के इस वीडियो से आपको पता चल चुका है कि ये पेज अभी जो आया हुआ है ये आपके साथ भी हो सकता है। होगा तो आपको क्या कुछ समझ के काम करना है, क्या कुछ से आपको पता चलेगा कि आपका पेज मोनेटाइज है भी या नहीं। तो ये पेज मैं कहूँगा अभी हाफ हार्टेड मोनेटाइज हो चुका है। बाकी फुल हार्टेड मोनेटाइज होने के लिए इस पेज के ऑनर को और भी ज़्यादा कंटेंट 3 मिनट या फिर 3 मिनट से ज़्यादा वाला डालते रहना है, वो लाइव ही हो या फिर इंस्ट्रीम एड वाला वीडियो ही हो, नॉर्मल वीडियो ही रेगुलरली पोस्ट करते रहना है और जो मिस्टेक मैंने दिखाया उन सारे चीज़ों को सुधार करते रहना है, तभी ये पेज आगे चल के फुल फ्लेजर लुक पे मोनेटाइज हो जाएगा। होप गाइस आज के इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिला है। अगर ऐसा ही इशू आपके पेज पे भी आ रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन में प्रणाम करो दोस्तों, बाय।